गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। अब मैं जा रहा हूँ भरतपुर। मैंने बाइक के लिए कुछ एसेसरीज मंगाई है, तो उसको इंस्टॉल कराऊंगा बाइक में। और थोड़ा सा मुझे काम हो रहे हैं, वो क्या है कि दुकान के लिए कुछ सामान लेके आना है। तो चलते हैं भरतपुर और मिलते हैं आपको सीधा भरतपुर में। रास्ते में ऐसा कुछ है नहीं है दिखाने के लिए, मिलते हैं भरतपुर में। तो दोस्तों, लगभग आधा घंटे की बाइक चलाने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ अपने यशदी के शोरूम में। और मैंने क्या मंगाया यहाँ पे, ये है ना, ये 10-15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आया है। और अब ये इससे मैं लगवा रहा हूँ ये वाला अपना, जो मैंने मॉडिफिकेशन के लिए बाइक और मोबाइल माउंट करने के लिए मैंने एक स्टैंड मंगवाया है, तो इसको लगवा रहा हूँ। अब देखता हूँ ये लगा पाता है कि नहीं लगा पाता एक बार में। वैसे तो मैंने इसको वीडियो नहीं दिखाई है कैसे लगाते हैं, अब देख रहा हूँ ये कैसे लगाता है। और 10-15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आया है, कम से कम इससे पहले भी आया था, तभी मुझे मिला नहीं था। तो अपनी एक इसमें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये भी सही कराऊंगा और इसको भी लगवा रहा हूँ। तो गाइस, अपना जो फोन माउंट करने का मॉडिफिकेशन है वो हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अपना फ़ोन का एक माउंट लग जाएगा, उसमें यहाँ फ़ोन लग जाएगा, तो बहुत सही लगेगा देखने में। आप ज़्यादा नीचे झुक कर देखने की ज़रूरत है नहीं है, तो इसलिए मैंने ये लगवाया है। बस बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब चलते हैं घर। और घर के अभी तो थोड़ा मार्केट में भी काम है, तो पलटते हैं मार्केट में और फिर वहाँ से सामान लेके और सीधा घर चलते हैं। फिर बहुत टाइम हो गया, कम से कम 2 घंटे ही हो गए यहाँ आता हूँ। शोरूम में तो टाइम होता ही होता है बहुत ज़्यादा। द नेक्स्ट डे, सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। और कल मैं जब मैं भरतपुर गया था, तो वहाँ पे मैं भरतपुर राइडर के पास गया था, जो भरतपुर राइडर करके उनका यूट्यूब चैनल है हमारी, कपिल सारस्वत जी, तो उनके पास गया था। तो मैंने उनसे बताया था कि मेरे माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने मुझे नया माइक दिया था। और उनका जो जैक है ना, वो TRS भी निकला, तो मेरे बहुत सुकून आया कि चलो इसको यूज करके देखता हूँ। अगर ये हो गया तो मैं इस माइक को यूज कर लूँगा, नहीं तो उनको वापस दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर द भरतपुर राइडर। और अब मैं उसको लगाता हूँ अपने हेलमेट में, माइक को, और फिर लाऊंगा कैमरे में और फिर चलेंगे एक मोटो ब्लॉगिंग हल्की सी। तो करते हैं स्टार्ट। यू डोंट सी द थिंग्स आई सी। सो गाइस, अपना फुल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप रेडी है। ये देखिए, सब कुछ मैंने इसमें लगा लिया है, कैमरा, जैक, कौन है ये, बच्चे उधम मचा रहे हैं बाहर। और अभी मैंने माउंट भी सेट कर लिया है इसमें कैमरा का, और मैंने इसमें बोल के भी देख लिया, आवाज़ तो यहाँ तो सही आती है, बाइक पे पता नहीं क्यों ख़राब हो जाती है, यहाँ तो एकदम एक्यूरेट आ रही है। तो अब मैं चलता हूँ बाइक पे और आपको दिखाता हूँ आवाज़ कैसी आ रही है। चलते हैं फिर। हम तो चल दिए हैं फिर से अपने माइक की टेस्टिंग के लिए, और अब देखता हूं आवाज आती है कि नहीं आती है सही। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपने माइक की टेस्टिंग। तो ये वही अपना पुराना रास्ता है जहाँ पे मैं हर बार जाता हूँ, और यहाँ आसपास कोई जगह है नहीं है माइक की टेस्टिंग के लिए। ओहो, समुद्र ये पैर मैंने रख लिए। व्यू का मुझे पता नहीं है कैसा आ रहा है, लेकिन आवाज सही आएगी ना तो सब कुछ सही है। वो तो मैं सही कर लूंगा सामने का आवाज। ओके, तो एवरीथिंग इज ओके। ये देखिए, मैं पहले आ रहा था भरी हुई रोड और अब बिल्कुल खाली रोड। सो गाइस, फिर से देखते हैं, तीसरी बार मैंने ये कैमरा सेट करा है, कैसा व्यू आता है। थोड़ी स्पीड में चला के देखनी पड़ रही है, क्योंकि उससे विंड ज्यादा लगेगी ना तो अच्छा पता चलेगा आवाज कितनी कट रही है। लेकिन मैं स्लो चलाऊंगा तो बिल्कुल सही आ जाएगी, मुझे पता है ये चीज। तो स्लो में तब भी बेहतर आती है, स्पीड में बहुत खराब आती है। अब देखो, थोड़ी स्लो करूंगा ना, अब थोड़ी बेटर आएगी। और हवा में बहुत तेज चल रही है, इससे भी और अच्छा
टेस्ट हो जाएगा अपने कैमरे के माइक का। तो भाई मैंने 3-4 बार टेस्ट करके देख लिया लेकिन माइक की आवाज़ सही नहीं आ रही है, पता नहीं कब सही होगी। कहाँ जाऊँ मैं इसको लेके जो मेरे माइक की आवाज़ सही हो जाए? मुझे ऐसा लग रहा है कैमरा ही चेंज करना पड़ेगा या फिर हेलमेट चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ करके देखूंगा पर माइक की आवाज़ जब तक सही नहीं आई जब तक करता रहूँगा कुछ ना कुछ। तो थोड़ी सी रील बना लेते हैं और फिर चलते हैं घर। और हाँ, इंस्टाग्राम रील देखने के लिए इंस्टाग्राम फॉलो करना तो बहुत ज़रूरी है ना, द लाइफ अंडरस्कोर अनलॉकर, तो यही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, तो फॉलो ज़रूर कर लेना। चलते हैं फिर घर, इंस्टाग्राम रील बना लेते हैं फिर चलते हैं।